हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्वालिटी क्वांट। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम। ये हमारा सेकंड चैप्टर है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का। आज हम एचसीएफ के बारे में समझेंगे, एलसीएम के बारे में हम फादर एक्सरसाइज या फादर पार्ट्स में समझेंगे। तो अभी आज हम समझेंगे एचसीएफ क्या है। फर्स्ट, व्हाट इज़ एचसीएफ, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एचसीएफ, एचसीएफ का डेफिनेशन क्या है। द एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। दैट मीन्स दो या दो से ज़्यादा अगर नंबर हम लेते हैं, उनका एचसीएफ किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, जब एक हाईएस्ट नंबर जब उन्हें डिवाइड करेंगे ईच ऑफ देम, या दो या तीन नंबर जिन नंबरों को हम अगर किसी इंडिविजुअल नंबर हाईएस्ट इंडिविजुअल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, उस नंबर को हम एचसीएफ कहते हैं। एक एग्जांपल के साथ हम इस चीज़ को और क्लियरली समझ पाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो इस एग्जांपल के क्वेश्चन में ये दिया हुआ है इस सोल में कि 42, 63 और 140 की एचसीएफ क्या है। तो 42, 63 और 140 की एचसीएफ क्या है, ठीक है। तो सब तो चलिए देखते हैं एचसीएफ ऑफ 42, 63 एंड 140 इज़, क्योंकि हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि एचसीएफ का डेफिनेशन क्या है। एचसीएफ का डेफिनेशन ये है कि एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, उसका मीनिंग ये होता है कि ग्रेटेस्ट नंबर से अगर आप सभी नंबर को इंडिविजुअली डिवाइड करते हो तो वही ग्रेटेस्ट नंबर आपका एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स करके देखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ 42, 63 और 140 है। अब ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन टाइप है, बट यहाँ पे आप एग्जैक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ 2 से करोगे, 2 से तो 42 डिविजिबल होता है, 63 नहीं होता है, 140 होता है, तो 2 यहाँ पर हम नहीं कर सकते। तीनों को एक ही इंडिविजुअल प्राइम नंबर से सोल्व होना है। 3 से जाएगा, 3 से 42 डेफिनेटली जाएगा, 63 डेफिनेटली जाएगा, 140 जाएगा, 143 से नहीं जाता है, ठीक है। तो 3 भी नहीं होगा। 5 से जाएगा, नहीं जाएगा, लास्ट प्लेस 2। मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी समझा दिया है, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है, रिवीजन आप दे रहे हो। तो यहाँ पे देखिए 2 है, 3 है, 0 है लास्ट प्लेस में, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होता है। उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट प्राइम नंबर, 7। क्या 7 से जाता है, लेट्स चेक इट आउट। 42 7 से जाएगा, 7, 6 या 42। 63 ये भी 7 का मल्टीपल है, 7, 9 या 63। 140 भी 7 का मल्टीपल है, 7, 20 या 140। तो ये 7 से जा रहा है, तो 7, 6 या 42, 7, 9 या 43, 7, 6 या 42, 7, 9 या 63, 7, 20 या 140। तो ये हुआ। उसके बाद क्या, उसके बाद 7 से बड़ा हमें देखना होगा। 7 से बड़ा होता है अभी 9 नहीं होता है, 10, 11 आता है, पर ये जाएगा जानू, 6 है, 9 है, 20 है, मतलब यहाँ पर हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि हमारा एचसीएफ ऑफ 42, 63 एंड 140 इज 7। एचसीएफ हमारा होगा, ये तीन नंबरों का हमारा एचसीएफ होगा, इट्स 7। तो हेयर इन द कंक्लूजन वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द एचसीएफ ऑफ 42, 63 एंड 140 इज 7। ओके, लेट्स मूव टू एन अनदर सोल्व। हम और एक सोल्व देखते हैं एचसीएफ की, ठीक है। दूसरे सोल्व हमारे लिए मूव करते हैं 108, 288 एंड 360। मैं फिर से कह रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे एग्जांपल टू में हम देखेंगे 108, 288 एंड 360। इसका हम निकालेंगे एचसीएफ।
इसका हमारा स्टेप निकालना है। लेट्स देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं फटाफट, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा इजीली किस प्रोसेस से हम कर रहे हैं। तो 108, 288, 360 से हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमारे यहाँ क्या आएगा, 2, 2 से जाएगा, तीनों ही जाएगा 2 से, 254 या 128, सॉरी सॉरी 108, 288 भी जाएगा 144 से, 2 × 144 भी जाएगा 288, 360 भी जाएगा 360, 180 से जाएगा 180 × 2 360 होगा, 144 × 2 288 होगा, 54 × 2 108 होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर से 2 से जाएगा, देखते हैं हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आपको फिर से समझा देंगे। तो अभी क्या हुआ है, हमें 27 मिला, 72 मिला और 90 मिला है। अब तो 2 से नहीं जाएगा, लास्ट प्लेस 7 आ जाता है 27 का। क्या ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, जा सकता है, हाँ डेफिनेटली जाएगा, तीनों 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 9 × 18 = 27, 372 कितना होगा करके देखिए, 372 कितना होगा, हम डिवाइड करके देख लेते हैं, टाइम सेविंग। तो 3 × 24 करने से हमें 72 मिलता है, तो यहाँ आपका 24 होगा और ये तो 30 होगा, सिंपल है। तो हमें लास्ट में क्या मिला, 9 मिला, 24 मिला, फिर 30 मिला। ठीक है, 9 मिला, 24 मिला और 30 मिला। अब 9 जाएगा 3 से, 9 तो चला जाएगा, 24 भी जाएगा, 30 भी जाएगा, तीनों ही जाएगा। तो ये होगा 3 × 3 = 9, ये हो जाए 8 × 16 = 24, 8 × 3 = 24, ये हो जाए 10 से, 10 × 3 = 30 हो गया। अब तो नहीं जाने वाला है, 3 तो जाएगा 3 से, पर ये 10 नहीं जाएगा, दैट मीन्स ये यहाँ स्टॉप हो जाएगा। तो हमारा इससे अब क्या होगा, यहाँ पर हम इन सब की प्रोडक्ट करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस आउटर नंबर्स इज द एचसीएफ ऑफ दिस सॉल्यूशन, 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 = 4 × 3 = 9, 9 × 4 = 36, दैट मीन्स 36 इज आवर आंसर, 36 इज आवर आंसर, इज दैट एचसीएफ ऑफ 108, 288 एंड 360 इज 36। आप लोगों को फिलहाल समझ में आ चुका होगा, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और फादर में इसमें काम करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, कुछ और सोप लेके आप मैथ्स हो या क्वांटिटी एप्टीट्यूड से प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट पार्ट में और भी एस के सवाल लेके आएंगे, तब तक के लिए आप ये वीडियो फिर से बार बार रिवाइज़ कीजिए, समझ में आएगा आप लोगों को इस चीज़ के बारे में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।